No number, no number. रुक पीछे थोड़ा सा बच्ची जी, थोड़ा पहले साइड हो जा आराम से सर। सर आगे, सभी आगे, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ थोड़ा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अनुराग भाई को जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की जय। धुमल जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धुमल जी को जय श्री राम, जय श्री राम। राम जी को जय श्री राम, जय श्री राम। राम जी को ना भूतो ना भविष्यति, ऐसी शानदार जीत प्राप्त हुई है पार्टी को। मैं पार्टी नेतृत्व को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को और हिमाचल की जनता को धन्यवाद देता हूं। चारों सीटों पर रिकॉर्ड जीत उन्होंने दिलाई है, इसके लिए बहुत आभार। और पार्टी की जिम्मेदारी बढ़ गई है और ज़्यादा विनम्रता के साथ, ज़्यादा समर्पण के साथ सेवा करने का अवसर मिला है। कार्यकर्ताओं ने मेहनत की थी और अब मोदी जी के नेतृत्व में वो चरम सीमा पर पहुँचा है और निश्चित तौर पर नेतृत्व के डिसाइसिव होने के कारण इसका लाभ पार्टी को मिला है। और आज मुकाबले में कोई अन्य पार्टी निश्चित तौर पर विकास और तीव्र गति पकड़ेगा और डबल इंजन की सरकार ज़्यादा मेहनत से काम करेगी, प्रदेश को अत्यंत लाभ होगा। के मतदाताओं का भी धन्यवाद ही हूँ, इस बार 104 के 104 बूथ पर लीड दी है और 25,000 से ज़्यादा वोटों से जिताया है, इसके लिए उनका धन्यवाद, आभार। संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं का, अपने कार्यकर्ताओं का और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का, जिन्होंने दिन रात एक भी किया और दिल खोलकर वोट भी दिया और कहीं ना कहीं इतिहास नया रचा है। चौथी बार लगातार जीतने का अवसर भी दिया और इतनी बड़ी जीत जो जैसे धूमल जी ने कहा ना पहले हुई, और मुझे लगता है एक नया रिकॉर्ड जो बनाया उसके लिए सबका आभार। और एक नई जिम्मेदारी दी है कि हमने रिकॉर्ड काम किए तो रिकॉर्ड वोट भी मिला। और मोदी जी ने जो रिकॉर्ड नेतृत्व दिया कि पूरी दुनिया भर में भारत का नाम किया, तो जनता ने दिल खोलकर मोदी जी को सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ जो मोदी जी ने काम किया, सभी वर्गों ने जाति धर्म से ऊपर उठकर मोदी जी के लिए वोट किया है। हम नीतियों पर चुनाव लड़ते हैं, व्यक्तिगत तौर पर नहीं लड़ते। आखिर अगर कांग्रेस अपनी न्याय योजना को जनता के सामने ढंग से नहीं रख पाई और लोगों को लगा कि जिन लोगों ने 55 साल अन्याय देश के लोगों के साथ किया हो वो क्या न्याय करेंगे, ना उनका कार्यकर्ता न्याय से कन्विंस हो पाया ना उनके नेता उसको ढंग से रख पाए। अमेठी की जनता क्या करती है उसको निर्णय करना है कि उनका विकास किसने किया। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में हमने बढ़ चढ़ कर विकास किया तो यहाँ के लोगों ने दिल खोलकर वोट भी दिया है और मुझे भी लगता है पूरे देश भर में जो भाजपा ने काम किया उसका लाभ हमें मिल रहा है कि पूरे देश भर में वोट मिल रहा है। और जहाँ तक झूठ की बात है, अगर विपक्ष झूठ के बलबूते पर चुनाव लड़ेगा तो कोई वोट नहीं करेगा। अगर कोई विकल्प नहीं दे पाएंगे कि वो क्या देश में करना चाहते तो लोग वोट नहीं करेंगे। केवल मोदी जी की आलोचना से काम नहीं चलेगा, मोदी जी पर कोई दाग चिपका नहीं, उन्होंने जो भी आरोप लगाए वो कोई टिका नहीं, क्योंकि पाक साफ उनका बिल्कुल आज तक का राजनीतिक जीवन रहा है। और ये सफ़र जो उनका आज तक ईमानदारी वाला रहा वो सबसे बड़ी भाजपा के लिए जीत है। और ये जो जोड़ी है मोदी जी की और अमित शाह जी की, ये मुझे लगता है अपने आप में भाजपा की बहुत बड़ी ताकत है कि रणनीतिकार चाणक्य हो और एक ऐसा चेहरा मोदी जी के रूप में हो जो सबके लिए सर्वमान्य हो। मतदान के बाद लगता था कुछ भी हो सकता है जिस तरह से लोगों ने वोट दिया था, लेकिन हर कोई ये लगाता था 2-2.5 लाख होगा। इतना ना हिमाचल में कभी वोट पड़ा, ना इतना कभी लीड आई थी। ये अपने आप में एक अलग हटकर कुछ है जो मुझे लगता है, जैसे मैंने कहा कि लोगों ने मन में कुछ करने की इच्छा थी जो पहले रह गई थी वो इस बार पूरी कर दी है। प्राथमिकता है और अपने संसदीय क्षेत्र के कोने कोने में विकास पहुंचे, हर क्षेत्र में पहुंचे, हम वो करेंगे। हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे किए जो सरकारी नहीं थे, गैर सरकारी थे, लेकिन वो बहुत सफल रहे, लोगों ने बहुत सराहा उनको भी। जो सरकारी बड़े बड़े प्रोजेक्ट हम लेकर आए, एम्स, PGI, IIIT, सेंट्रल यूनिवर्सिटी,
तीनों जिलों के लिए रेलवे लाइन, ये कभी संभव ही नहीं हुआ था किसी एक संसदीय क्षेत्र के लिए, ये केवल हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में हो पाया। इसके लिए मैं मोदी जी का आभार प्रकट करता हूँ, अपने सभी नेताओं का बहुत आभार प्रकट करता हूँ, नड्डा जी हों, जयराम जी हों, धूमल जी हों, सब लोगों ने बहुत मेहनत भी की और आशीर्वाद भी दिया, और मुझे पूर्ण विश्वास है आगे भी ये मिलेगा और हम इससे बढ़ चढ़ कर काम करें। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि अमित जी ने जो कहा एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा एक कार्यकर्ता की प्रशंसा करना कि पार्टी के लिए लाठी खाना, देश के लिए लाठी खाना, पानी की बछारें झेलना, आंदोलन करना, तिरंगा यात्रा तक करना, ये किसी भी कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ाने वाला है, पीठ थपथपाने वाला है। मुझे लगता है मैं सौभाग्यशाली हूँ कि जिनको चाणक्य कहा जाता है भारतीय राजनीति का, उन्होंने मेरे बारे में ये कहा है। बाकी जो पार्टी ने पहले भी जिम्मेदारियाँ दी पूरे मन से निभाई हैं, हम कभी कामकाज से पीछे नहीं हटे, आगे भी बढ़ चढ़ कर करेंगे। एक तरफा चुनाव हो गया जब मोदी जी के सामने कोई विकल्प विपक्ष नहीं रख पाया, एक ईमानदार चेहरा, निर्णायक चेहरा, एक ऐसा चेहरा जो मजबूत भारत की, नए भारत की नींव रखना चाहता है, और नए भारत के लिए जब मोदी जी ने वोट मांगा तो एक तरफा युवा महिला सब वर्गों ने वोट किया, तो मोदी जी के पक्ष में किया है। आपका बहुत कब की वापसी? 2 लाख। काफी लड़के आ रहे हैं।